ये अब हम यहाँ पे काम करते हैं बाहर में, तो पैसा महीना महीना में हमारा सैलरी आ रहा है, तो 30 हजार या 20 हजार या 40 हजार जो भी हमारा हर महीना में सैलरी बच रहा है खर्चा के बाद में, तो ये साल इसके ऊपर गुजर रहा है, तो किस हिसाब से जकात निकालेंगे इसका, क्योंकि हर महीना में 30 हजार 40 हजार जो भी आ रहा है बच रहा है खर्चा के बाद। ये सवाल पहले बहुत वजाहत कर चुके हैं, थोड़ा सा पेचीदगी है इसमें, लेकिन आप गौर से सुने तो समझ में आएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जकात जो है सेविंग में है, इनकम में नहीं है। तो आपकी हर महीने जो सेविंग हो रही है, आप अपने जो से अपनी सेविंग पर आप नजर रखिए कि आपकी सेविंग किस टाइम निसाब को पहुंच रही है। जिस टाइम आपकी सेविंग निसाब को पहुंचे, वो तारीख आप लिख करके रख लीजिए कि आज फला दिन मेरी जो सेविंग है वो निसाब को पहुंच गई। ठीक है? अब आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी तनख्वाह से आप सेव सेव करेंगे, तो और उसको भी हर महीने आप लिखते रहिए कि जनवरी में मेरा माल निसाब को पहुंच गया था फला तारीख को, फरवरी में मुझे तनख्वाह मिली इतनी, उसको आप लिख के रख लीजिए, फिर मार्च में तनख्वाह मिली इतनी, उसको लिख के रख लीजिए। अब ये जो जनवरी अगला अगली जनवरी जब आएगी, तो वो जो पहली सेविंग थी उसकी जकात आप निकालेंगे, फिर फरवरी आएगी तो जो फरवरी वाली सेविंग थी उसकी जकात आप निकालेंगे। इस तरह गोया कि हर महीने आपको जकात निकालते रहना है। तो ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, पूरा आपको काउंट करके रखना पड़ेगा उसका। इससे सिंपल तरीका ये है कि जब अगली जनवरी आए, तो जनवरी आते ही आप देखें कि कुल कितनी सेविंग आपके पास है, कुल की जकात आप एक साथ निकाल दीजिए। तो इससे ये होगा कि आप पर जो वाजिब है वो तो आपने किया ही, वाजिब से बढ़कर के आपने किया आगे, और इसमें आपके लिए आसानी है।